हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप का स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसरो रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। इसरो की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, जहां की अपने टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन भी की यहां पे पोस्ट पे यहां पे वैकेंसीज आउट की गई है, जहां की अगर आपने 10th पास या फिर आपने ITI कर रखा है वेरियस ट्रेड से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी आपको यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलने वाली है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है, इसको कोई अप्रेंटिस मत समझिएगा, खास करके ITI वालों। ये बिल्कुल ही सरकारी नौकरी है। आपको यहाँ से एलिजिबल करना पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और एक अच्छी खासी आपको सैलरी वाली यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है। तो आइएगा जी, इस वीडियो में टोटल प्रोसेस हम बात करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। ओके गाइस, तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रीडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो इसरो की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई है, वो VSSSC यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। तिरुवनंतपुरम यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, टेक्नीशियन बी की जो सैलरी रहेगी Level 3 के अनुसार यहाँ पर 21,700 लेकर 69,100 के करीब यहाँ पे अब सैलरी मिलने वाली है। अब वेरियस ट्रेड के यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है। आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जैसे जो होगा अपने ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर अपनी पोस्ट देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज पोस्ट भी यहाँ पे डिफेंड किया हुआ है। और बगल में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा सकता है। मैं बताने वाला हूँ आपको, एक बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड देख दीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पे रिलेटिव काम आने वाला है। डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फिटर की पोस्ट है, जो कि 24 पोस्ट निकाली गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 12, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3, ST का 1 और EWS वालों के लिए 3 कैटेगरी यहाँ पे निकाली गई है। एक्स सर्विसमैन और PWD वालों के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज आउट की नहीं गई है। एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं SLC SSC यानी 10th क्लास पास आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ ITI या फिर NSC NCT, मतलब यानी HCBT NCBT कहीं से भी आपने कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फिटर वाले। बगल में आपका फिजिकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी दिया है, क्या फिजिकल रिलेक्शन होना चाहिए, नेचर ऑफ जॉब किस तरह का आपका प्रकार होगा, ये टोटली रिलेक्शन आप जो भी है टेबल आप इसको डाउनलोड करके अपना ट्रेड वाइज और अपना पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से, क्योंकि ये तभी आपको काम आएगी जब इसको रीडिंग कीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज, ये रही आपकी यहाँ तक आपका यहाँ पे जो है टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। उसके बाद आपका ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट है। ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट है यहाँ पे कम है, टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट निकाली गई है, वो भी मैकेनिकल की। मैकेनिकल यानी SSC अपने 10th पास होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ITI NCT या फिर ड्राफ्टमैन में अगर मैकेनिकल में ट्रेड से आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 और OBC के लिए 2 पोस्टें निकाली गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ट्रेड वाइज अपना जो रिलैक्सेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। इसको अप्लाई करने के लिए इसको ऑनलाइन फॉर्मेट है, यानी ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म वाली वीडियो मैं ले आऊँगा। तो आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी ऑनलाइन फॉर्म वाली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट कोड से रिलेटेड जनरल में कितनी पोस्ट हैं, OBC में क्या है, SC ST वगैरह, EWS वाली एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट की मैं बात करने जाऊँ तो 18 साल से लेकर 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ST SC वालों के लिए 5 ईयर्स का एंड OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 28,800 के करीब यहाँ पर इन हैंड सैलरी मिलेगी। अदरवाइज जैसे ही आपका ईयर बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको बढ़ेगा। मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे आपका रिटेन टेस्ट होगा, यानी एक रिटेन टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आपको तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में आपका जनरली यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, और अदरवाइज मैं बात करूँ आपका स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में भी आपका ट्रेड और प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपका यहाँ पर क्या होगा आप यहाँ से जनरली देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, जो कि 100 रुपया फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है। फ़ी उन्हीं कैंडिडेट को लगेगा जैसे जनरल हो गया, OBC और यहाँ पर EWS कोटा वालों के लिए। अदरवाइज यहाँ पे ST SC और एक्स सर्विसमैन या फिर अदरवाइज सभी के कोटा के फीमेल कैटेगरी का कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका ऑनलाइन पेमेंट है जो कि फी भी है, उसको ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म डेट की बात करें तो 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म आप इसको फिलअप कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो आपका 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो 30 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इतना दिन आपका समय दिया गया है, यानी 30/12/2019 आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन फी जो पेमेंट करने का।
इसको वहाँ पे सब कुछ कर लेना है, और सब कुछ ऑनलाइन आपका होगा इनका ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि www.bssc.government.in, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। वैसे मैं आपको ऑनलाइन फी का जब भी स्टार्ट होगा तो मैं उसकी वीडियो लाऊंगा, तो इस चैनल पे जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अदरवाइज गाइज यहाँ पे इसरो के अप्रेंटिस यानी रिक्रूटमेंट के लिए आपको यही जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी आप सबके लिए आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, आईटीआई वालों के लिए सिंपली। तो गाइस जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।